All right, जी इसलिए वंडरफुल इट्स एट्स अ वेरी नाइस डे अ डिफरेंट डे अगैन आई एम नॉट ऑल टू गुड लेकिन इसके बावजूद भी काम तो करना है सो वो वर्किंग अ वेरी गुड डे टू यू इज़ वेल हाल चाल सब ठीक ठाक एब्सलूटली गुड ये मुझे मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है शो इस तरह से चेंज किया कि यूजुअली पहली दो तो ब्रेक्स के अंदर मैं होता हूं मैं बात करता हूं आज मैंने सोचा अपने सारे गेस्ट को शामिल कर लूं क्योंकि जिन चीज़ों में मैं तबसे कर रहा होता हूं आई थिंक इन लोगों को भी उस पर तब करो गोड डॉर अलकुम सर कैसे हैं आप ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया वी हैव गॉट डॉक्टर सामकम मैम कैसे आप ठीक ठाक थैंक यू सो वेरी मच एंड फ्रॉम कराची इट्स डॉक्टर शुमा डॉक्टर साहब कैसे आप बिल्कुल ठीक ठाक आप जी अब जरा मैं कुछ चीज़ें चला रहा हूँ स्क्रीन पे डॉक्टर शुमा मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या चलाया ताकि आप भी तबसरा कर सकें उस पर और जाहिद भाई को भी एक माइक दे दें बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि जाहिद भाई भी तब्सर करें भाई माइक माइक उनके पास ही है इसको जरा ऑन कर दीजिएगा ताकि भाई को भी तबसरा करना चाहिए सो so, है जिसके अंदर लगता है कि इंसान तो इंसान लेकिन एनिमल्स जो हैं वो भी स्मार्टफोन में बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं oh कैसे रखते हैं आपको दिखा रहे हैं देखिए जी पहली वीडियो दैट ये एक लिटरली ये स्मॉल <laughs> पपी

और आजकल की हमारी जितनी जनरेशन है उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं सारा लिटरली ये दोनों ऑस्पेक्ट्स हैं एक तो ये ऑस्पेक्ट है कि लाइक इंगेज किया हुआ है आप अपने पपी को तो इंगेज कर सकते हैं लेकिन बच्चों को अगर आपने इंगेज आठ आठ दस दस घंटे कर दिया

भूल जाते हैं सुबह है शाम है दोपहर है दोपहर है बेटा एंड पप्पी इज डिफरेंट अलग अलग है बट ही इज सो क्यूट मतलब इट इज टोटली में एक मुझे आईडिया है इसमें कि लाइक आई कैन नॉट रिलेट पप्पी टू और उसको जस्ट सिट इन साइड राइट भाई पपी तुम यूर सो क्यूट तुम बाहर क्यों बैठते हो तुम अंदर आओ फ्लफी इन्वायरमेंट में बैठो और तुम्हें हम लगा देते हैं ये तो उससे कैमरा स्मार्ट जापान में एक शख्स था जो जिसका जो कुत्ता था वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसको रोजाना स्टेशन पे छोड़ता था और फिर उसके बाद उसको लेता था वहाँ से okay. एक रोज उसकी डेथ हो गई और वो आदमी आ नहीं सका oh. और उसके बाद वो छः साल तक मुसलसल जाता रहा है शिबिया वो जगह है जहाँ पर आज भी उसका जो स्टैचू okay. है okay. वो मौजूद है okay. और तो इट्स लाइक दैट डॉक्टर शर्मा आप क्या आप क्या कहती हैं वीडियो हमने दिखाई है जहाँ पर एक पपी इज़ वॉचिंग अ कार्टून एंड इज एप्स रिलैक्स आई थिंक पप्पी का भी राइट है तो वो कार्टून देखे और रिलेक्स हो जाए जैसे हम लोगों का राइट है There you go. और अगर आप बच्चों के साथ रिलेट करेंगे तो हम इस चीज को भी नहीं करेंगे क्योंकि तो बच्चे आजकल हम सबके ऐसे ही है कार्टून oh. देखते हैं है, और अपने आप आईफोन इस्तेमाल करती है नो आई यूज एंड्रॉइड एंड्रॉइड आप एनड्रॉइड आई फोन बोथ आप एंड्रॉइड ओके आई यूज बोथ लेकिन फर्ज करें कि आपका आईफोन कोई बंदर चुरा के भाग जाए हाउ वुड इट बी इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है कि एक बंदर किसी का आईफोन चुरा के भाग गया है

फोन देखें स्मार्टफोन देखें और बच्चों को हम ये कहें कि आप फोन ना देखें आप इस पपी को देखें जो कि स्मार्टफोन देख रहे तो आई थिंक उस... अच्छा फिर वो इंसान बंदर से ज्यादा जहीन है उन्होंने बंदर को कोई चीज फेंकी बंदर ने वो चीज कैच की और फोन फेंक दिया डॉक्टर <laughs> <laughs> yes, yes. साहब क्या लगता है आपको जी ऐसा होता है जैसे इन्होंने कहा खासतौर पर यूगिया वाली साइड पर जाए तो बंदर बिल्कुल ऐसे ही कह रहे होते हैं उनको बड़ा टारगेटेड पता होता है कि हमने कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है वो फूड पर ही झपटते हैं और बंदर चूँकि एवोल्यूशन में भी इंसान के बहुत पास है तो इनकी काफ़ी जहानतें भी आपस में मिलती हैं right जी डॉक्टर साहबा आपको क्या लगता है कि बंदर आईफोन चुरा सकते हैं क्यों नहीं बिल्कुल चुरा सकते हैं और अच्छी चीज रखना हर किसी है। तो मतलब <laughs> <laughs> अब आप अगर किसी मंकी को देखें कि उसके पास आईफोन है तो डोंट डोंट तो हम, हम दे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं कुछ और चीजें और उसके बाद चेहरे के ग्लो के बारे में बात ब्रेक है

अच्छा, जवानी का लड़कपन में तो बड़ा कुछ होता है हर गुजरती हुई चीज भी मोहब्बत हो जाती है सुबह वेरी नाइस तो, नाइस शादी के बाद नहीं हुआ शादी के बाद नहीं हुआ सर right, आप सर

ऐसी बातें नहीं करनी है नहीं बिल्कुल को, को, कोई बात नहीं करना इसके डॉक्टर साहब कभी हैव यू एवर सेलिब्रेटेड वैलेंटाइन्स जी ऐसा है कि हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है ना इट्स इन द सेम मंथ तो हम तो फरवरी तो में फरवरी में है तो, तो हम उसको डिले करके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कब है व्हेन इज इट इट इज 26th ऑफ फेब फेब तो मतलब कोई बात नहीं और माशाल्लाह कितने साल हो गए इट्स बीन 9 इयर्स 9 इयर्स चलिए चलिए वंडरफुल तो आपका वैलेंटाइन 26th फेब को होता है जी बिल्कुल ऑलराइट जी लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कभी आपने ऐसा वैलेंटाइंस बनाया है कुछ ऐसा हुआ है कि आपका कोई का महबूब हो और उसके लिए आप वैलेंटाइंस बना रहे हो जरा ये चीज देखिए फिर मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या देखिए जरा अच्छा ये है क्या आपको पता है आपके का जो महबूब है ना उनके लिए आप कॉकरोचेस चुनते हैं वैलेंटाइंस डे या पंद्रह डॉलर के एवज लाल बेगों का नाम आप अपने सबका पार्टनर के नाम से मंसूब कर सकते हैं दिल की भड़ास निकाल सकते <laughs> <इसे> पंजाबी <प्रियामी laughs> कहते हैं तो गुस्सा ही बड़ा है जो आप है, आप है आप सोचिए सोचिए कि लाल बेग के नाम पे अपने और और पता है इसमें कंपटीशन जारी है लोग आ के नाम रख रहे हैं कि मैंने ये नाम रखना है मैंने ये नाम रखना है मैंने ये नाम रखना है इतना तो, तो जाहिर भाई अगर आपको कोई अपने किसी सबका का नाम रखना हो तो क्या रखेंगे था तो <laughs> आप तो तो का भूल को का भूल ही नाम क्या क्या रखना इसको आने कोई भी कुछ बात नहीं करेगा तो, हाँ। so really लेकिन हम आपसे भी पूछेंगे फिर क्या यही आप क्या नाम रखेंगे सर मैं तो मोहब्बत को वैसे ही ओवररेट करता हूँ मैं तो कहता हूँ मोहब्बत ओवररेटेड है किस मतलब

जिससे आपने मोहब्बत की है right, right. आ, हर मोहब्बत इश्क नहीं होती और इश्क जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है अगर आपको दो बार हुआ है तो चेक कीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोई, कोई इश्क नहीं कोई, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता नहीं। बिल्कुल भी नहीं हो सकता इश्क जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है और एक ही शख्स से होता है मोहब्बत आपको एक से ज्यादा मरतबा हो सकती है लेकिन इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन वो कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी अगर उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपने बहुत खूबसूरत बात की और दूसरी बात ही है और एक और बात मोहब्बत को आजमाइएगा मत फेल हो जाएगी वाहवेज डाल कब भी मत आजमाइएगा <laughs> रिश्तों को जब आप आजमाइश पे परखते हैं ना आजमाइश पे डालते हैं तो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते बिकॉज़ hmm. हम आजमाइश पे तो डाल देते हैं मोहब्बत को लेकिन याद रखिए मोहब्बत एक इंसान से की जाती है और इंसान पहले आता है तो उसकी ह्यूमन नीड जो है वो उसको सरपास कर देती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मोहब्बत को एक आफाकी चीज़ कहते हैं बिल्कुल आफाक़ी है लेकिन इंसान उससे ज़्यादा आफाकी है इंसान सबसे पहले अपने आप को सोचता है उसके बाद किसी और चीज को सोचता है एंड वी डोंट डू आपको इससे करने की जरूरत नहीं अगर आप समझते हैं कि नहीं नहीं सर भाई आप तो 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 ये कह रहे हैं मोहब्बत कीजिए मैंने आपको नहीं रोका इतनी लेकिन इतनी खूबसूरत में शाकिर जो है वो याद आ रही जी तो सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं ये अहमद फराज है अहमद फराज जी अहमद फराज अच्छा प्रवीण शाकिर को उन्होंने फोन किया था कि भाई ये देखो ये मुझे दे दो ठीक <laughs> है वरना साहिर भाई माइंड करेंगे <laughs> नहीं नहीं वाकई no, no. yes, 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 yes. तो सुना है हैं। मुझे, मुझे याद सुना है बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं okay. ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं एक बड़ा खूबसूरत इसका शेर है कि सुना है उसके शबिस्तान से मुतसिल है बहिश्त सुना है कि उसके शबिस्तान से मुतसिल है बहिश्त मकी उधर के जलवे इधर के देखते हैं <laughs> मैं जिंदगी में किसी <laughs> पे ना तो वाकी करता हूँ ना अब कोई और अब तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए <laughs> बिल्कुल चाहिए ही नहीं मतलब आप लोगों को मुबारक मोहब्बत आई लव यू गाइज फॉर लविंग वट एवर यू लव कमिंग बैक टू यू आज हम चेहरे के ग्लो की बात करेंगे तो Yes. फारिश चाय नहीं हो सकती दुनिया के अंदर <laughs> तुमने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मतलब इसने इतना पका दिया है कि दिल जैसे अंदर से पका हुआ होता ना yes. पका पका बनाई थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब स्किन खराब क्यों हो जाती है और ग्लो कहाँ चला जाता जी देखें स्किन खराब क्यों होती है स्किन uh, में दो तरह की एजिंग्स आती हैं एक होती है इंटरनल एजिंग जो कि अंदर से इंसान ने वक्त के साथ साथ बूढ़ा होना ही है hmm. हमारी जीन्स में हम अपने सॉफ्टवेयर hmm. में लेके आते हैं hmm. दूसरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बाहर से फैक्टर्स हैं जो कि स्किन के ग्लो को छीन लेते हैं वक्त के साथ या स्किन को बूढ़ा करना शुरू कर देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सूरज है ओके okay. पोल्यूशन भी है गर्दो गुबार, गुबार भी है सारा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक रिसर्च हुई है कहते हैं कि सूरज सबसे ज़्यादा एजिंग लेके आता है और स्किन की ग्लो को छीन लेता है तो सूरज की तरफ नहीं, चाहिए। सूरज में नहीं जाना चाहिए या ऐसे ओमोर का <laughs> अप्लाई करना है और उसमें यह है कि जैसे सुबह दस बजे से लेकर तीन बजे वाली धूप जो है उसका यू इंडेक्स बहुत हाई है okay. तो उसमें आपने कोशिश करना है कि अवॉइड करें ना निकलें डायरेक्ट चेहरा लेकर ना निकलें पी कैप पहन लें या चेहरे को ढक लें किसी तरह से अम्ब्रेलाज ले कर निकलें या वॉट अ या अवॉइड करें निकल hmm. से उसके उसके आगे पीछे आप निकल सकते हैं लेकिन आपने सन ब्लॉक मस्त लगाना है मस्त लगाना डॉक्टर शमाला हैज जॉइंड अस डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है बिल्कुल आ है अच्छा डॉक्टर साहब ये स्किन का ग्लो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ चला जाता है कब मिलता है वापस कैसे मिल सकता है uh, भी डिपेंड कर रहा होता है हमारे पेशेंट्स पे हमारे फीमेल्स पे कि वो कैसे या मेल पे कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं hmm. जैसे मैं से कि उन्होंने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो हाउस वाइफ भी होती है उनका भी एक ही रोना होता है कि हम तो घर में बैठे हुए हम सन ब्लॉक यूज नहीं कर रहे शुड यूज अ सनस्क्रीन अ गुड सनस्क्रीन स्क्रीन एटलीस्ट एस पी एफ फिफ्टी प्लस हमारे यूज करें एंड वाटर इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं

वो वाटर को ट्रैप करेगा और इंक्रीज होगी आपकी फाइन लाइन आपकी इंप्रूव हो जाएगा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इसके अंदर ग्लो कैसे हासिल किया जा सकता है राइट right, साहब भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि सूरज जो इफेक्ट करता है अगर हम लाइक like, जो सन है हमारी हेल्थ के लिए इनकी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको हम थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा और एंगल से देखें तो ये हमें बेनिफिट भी दे सकता है डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट इनकी फेस पे लेंगे सन को तो प्रॉब्लमेटिक है आपने हमें बेसिकली ये भी नहीं पता कि हमने इनकी सूरज से कैसे फ़ायदा उठाना है आपने जब बैठना भी है सूरज में सुबह पहले मॉर्निंग जो उनकी

اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ کانسیپٹ سمجھے شام جئی سرمیلی سرخی تے فجر دی نممی نممی لو تو مل پے تے مل پندے نے مخڑا اک تے ویلے دو واہ واہ رائٹ یہ ویلوں کو ہی کام ہے یس ران دے سے زیادہ سست آدمی کوئی نہیں تھا

भीगी हुई इस शाम की दहलीज़ पे बैठे भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं खैर wow. एनीवे, anyway, शायरी अपनी जगह स्किन केयर अपनी जगह

एक तो हमारी स्किन में मेलानिन uh, एक ची एक सब्सटेंस uh, है जो कि हमें ब्राउन बनाता है ठीक okay. है या काला करता है तो जब आप uh, सूरज में जाते हैं तो हमारा एक बॉडी uh, में एक प्रोटेक्टिव मैकेानिज़्म ऑन हो जाता है जिसमें वो ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देता है कि अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन रखी है ताकि आपको स्किन कैंसर्स या यू यू वी रेज की वजह से सूरज की शुआओं की वजह से कुछ एजिंग uh, ना आए और uh, जो है स्किन uh, कैंसर्स ना हो पाएँ

Sorry, with me. जी आपके लिए आपके लिए जी डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे बाहर के मुल्कों में सनटैन बहुत आम है बहुत कॉमन है और उसे अच्छा भी समझा जाता है लेकिन हमारे मुल्क में अगर सन हो जाए तो उस पर अजीब तरह के नाम दिए जाते हैं तो क्या सन से जल्दी रिकवरी पॉसिबल है देखिए उनकी स्किन टाइप जो है वो फेयर है हमारे यहाँ थोड़ी सी वीटेश है ठीक है okay. तो हम लोग ज्यादातर फेयर स्किन की तरफ जा रहे होते हैं है? और वो हमारी स्किन की तरफ आ रहे होते हैं लेकिन अगर आइडियल अगर आप स्टैटिक बुक्स में देखें तो हमारी स्किल सबसे ज्यादा जो है आइडियल होती है हुँँ. अब इसको कम कैसे किया जा सकता है बाई यूजिंग ऑल प्रोडक्ट अब एक बार डॉक्टर साहब ने कही कि आप मॉर्निंग सन बात ले सकते हैं जो आपके लिए इफेक्टिव है वाइटामिन डी आप उसे ले सकते हैं शाम वाली आप ले सकते हैं लेकिन आप इसको कम नहीं कर सकते दस बजे से लेके तीन बजे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बाहर ना निकले लेकिन जो वर्किंग है वो कैसे इसको करेंगे बाई यूजिंग अ गुड प्रोटेक्शन आप कोई हेड ले सकते हैं औरतें जो है स्का्फ ले सकती हैं इसको इस तरह हम कम कर सकते हैं और बाई यूजिंग अ गुड सन जी सर हम काम कर सकते हैं दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो फेस है वही है जो आपके अंदर है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो कभी भी आप अच्छी ग्लोइंग हेल्दी स्किन नहीं ले सकते ये तो पूरी रिसर्च में साबित हैं कि उसमें दो चीज़ें करें जैसे हम बताते हैं कि आपका लिवर डिटॉक्सीफाई करता है तो रात ग्यारह बजे से लेकर तीन बजे तक अगर टाइट स्लीप लेते हैं तो उस दिन की डिटॉक्सीफिकेशन आपका लिवर कर देता है और आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉन्सिपेटेड बिल्कुल ना हो अपनी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और इसमें सेलड्ड्स और दूसरी इनकी हेल्दी चीज़ें यूज करें एक चीज़ गट हेल्थ पर बहुत तवज्जो देनी उसके बाद जो पानी का इंटेक है हम जैसे कहते हैं कि वाटर एज ए मेडिसन अगर इसकी आप यूजेज को समझ जाएँ कि वाटर एज ए मेडिसन आप लें लिटरली मैं आपको बताऊँ आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स आपको एटी परसेंट होंगी नहीं एक तो गट हेल्थ को सही रखें दूसरा आजकल के दिनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि नीम गर्म पानी आप लें और इसका जो लेने का तरीका है हम बार बार ये बताते हैं कि आप उसको सिप सिप करके लें जितने ज्यादा घूट घूंट करके पियेंगे जितने घूट लेंगे आपका जो उनकी स्लाइवा है मुंह के अंदर वो डेफिनेटली आपके स्टमक को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रहेगा आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एक बेसिक एलिमेंट है जिसके जरिए आपने अपनी लाइक स्किन को ग्लो कर सकते हैं नेचुरल वे में उसके बगैर आप जो मर्जी कर लें नेचुरल ब्यूटी नहीं जब आप घूट घूंट के पानी पी रहे हैं कोशिश कीजिए कि अपने बिजली का बिल ना देखें क्योंकि ये फंस भी सकता है दुनिया में दो किस्म के घूंट एग्जिस्ट करते हैं एक जो प्यास बुझाने के लिए होती है और दूसरी जो सब्र के घूंट होते हैं तो अगर आप सब्र के घूंट पी रहे हैं तो तो हम सब ऐसे पाकिस्तानी पीते ही हैं हम महंगाई देखते हैं हम इन्फ्लेशन देखते हैं हम आटे की कीमत देखते हैं हम बिजली के बिल्स देखते हैं तो सब्र के घूंट पीते हैं इसलिए घूंट घूंट करके तो हम बहुत अरसे से पी रहे हैं अब ये जो तरीका बता रहे हैं इसमें पानी है तो पानी को भी अब घूट घूट करके पिए और इन ये भी जल छिलने छिलने वा, वाला है ये भी छन जाएगा फिर आप टैक्सेस दिया करेंगे पानी के और अब भी देते हैं फिर आप टैक्सेस दिया करेंगे हवा के सांस ले। फिर आपकी ऑक्सीजन कैलकुलेट की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप ज़िंदगी में किफ़ायत शाई करें सत्तर पचहत्तर साल से हम किफायत शायाँ बरत रहे हैं लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जाता कि यार ये जिम्मेदारी है हम कुछ बेहतर कर देंगे तो वो नहीं बेहतर तो वो नहीं बेहतर होगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ इन्होंने कहा कि घूट घूंट करके आप पानी पे पानी का इंटेक वेरी सीरियस नोट पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है लेकिन इसके साथ साथ हम जो मुंह धोते हैं जो वॉश करते हैं अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद क्रैक हो जाती है लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट अच्छा सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मुँह धोना चेहरे के लिए अच्छा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा साबुन से मुंह नहीं धोना आप प्लेन वाटर से जितना मुंह धोएंगे उतना आपका ऑयल्स जो है महफूज रहेंगे ठीक है। तो एक तो एजिंग जल्दी नहीं आएगी और ठंडे पानी से धोना चाहिए मुंह ठंडे पानी से धोना चाहिए ठंडे पानी से शावर लेना चाहिए ठंडे पानी से बाल धोने चाहिए और ठंडे पानी से ही चेहरा धोना चाहिए ठीक है ठीक है और ठंडे पानी से बाल भी धोने चाहिए बाल भी ठंडे पानी से चाहिए वजह ये होता है कि उसमें भी आपका मॉइस्चर जो है ना वो प्रिजर्व रहता है टोनर एज टोनर काम करता है ठंडा पानी आपके पोर्स क्लोज करता है इस मौसम में ठंडे पानी से धोएं आ, बहुत ठंडे से नहीं लेकिन नॉर्मल से तो हो सकते हैं क्योंकि जो बहुत गर्म पानी है डैमेज करता है क्यूटिकल्स को आ, जो हेयर क्यूटिकल है उसको डैमेज कर देगा स्किन को डैमेज करेगा आ, अच्छा इसमें ऑर्डर भी बहुत जरूरी है अगर आप मॉर्निंग में शावर ले रहे हैं तो ठंडा पानी होना चाहिए एक तो आपको फ्रेश करेगा पोर्स क्लोज करेगा दिन के लिए प्रिपेयर कर देगा आपकी स्किन को और बालों को लेकिन अगर आप रात को आए हैं और शावर ले रहे हैं तो फिर गर्म पानी से शावर लें उससे क्या होगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे गर्दो गुबार आपकी स्किन में से बालों में से निकल जाएगा तो रात वाला शावर जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी से होना चाहिए okay. और मॉर्निंग वाला शावर जो है वो ठंडे पानी से होना चाहिए ठीक है अच्छा स्किन की बात करें तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी बहुत ज्यादा धोना नहीं चाहिए अगर मुंह को धोएं तो भी आप ज़ाहिर है ठंडे पानी से धोएं और अच्छी किस्म का मॉइस्चराइजर जो है उसको इस्तेमाल जरूर करें मॉइस्चराइजर का बात करना बहुत जरूरी है मॉइस्चराइजर हम बड़े अरसे से यूज कर रहे हैं अक्लूसिव मॉस्चराइजर जिसमें पेट्रोलियटम बेस्ड मॉइस्चराइजर हैं जैसे हम वेज लीन कहते हैं हाँ। अच्छा ये बात बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि जब आप बहुत एकव मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर एक थिक लेयर लगा देते हैं वो आपकी स्किन का मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर तो okay. आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपकी स्किन डिपेंडेंट हो जाती है मॉइस्चराइजर के ऊपर तो आप देखेंगे कि एवरी टाइम जब आप मुंह धोएंगे आपको हर दफ़ा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा मॉइस्चराइजर का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए मॉइस्चराइजर तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे अब हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर कौन से हैं कि जिनको अगर आप सुबह एक दफ़ा लगा लें तो सारा दिन आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ना पड़े उसमें आजकल सिरामाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं

और ये और ये कितनी देर में बन जाता है ये सर 10 से 15 मिनट एक्चुअली ये के तौर पे होता है टोटल 10 से 15 मिनट बन जाएगा जी हाँ That's very nice. ये ब्रेड हमने बना के. सर ये एपेटाइजर तो नहीं।, नहीं हो सकता ये तो लाइक फुल मील है जी इसको कह सकते हैं मगर आ, हमारे जो रेस्टोरेंट में ना ये appetizer के तौर पे इस्तेमाल होता है अगर आपको खाना खाना है तो आपको मारफा जाना है

इनका जो वो है ब्रेड है ना वो इतनी क्रंच थी जबरदस्त दैट वाज नहीं है जस्ट uh -huh. uh, मैरिनेटेड होता है हमारा और पीटा ब्रेड जो होम मेड है और प्लस जो कैप्सिकम और उसके अलावा और कुछ नहीं है सर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आई थिंक आई थिंक वंडरफुल मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है मारफा

तो उससे उनका एक्नी का प्रॉब्लम काफी कहां पर है जी जी मैं बताने लगा उसमें थर्ड आई जो है ये ये जो थर्ड आई है यहां पे ये आपके आईब्रोज के सेंटर में ये पॉइंट है, है। ओके इसको अगर आप रेगुलरली प्रेस करेंगे थर्टी थर्टी सेकंड यस सर्कल करें थोड़ा करें थोड़ा प्रेस करें okay. ये जो थर्ड आई है ये एक एक्नी के लिए बहुत जबरदस्त याद रखिए, अपने ही करना है <laughs> किसी <laughs> और के नहीं करना पता चले कुछ सब मिल गया आपको अपने उठा करना शुरू कर दिया। अपने करना ये थर्ड आई पे ऐसे करके दूसरा जो आपका इनकी कान है इसका ये लोअर जो है इसको आपने प्रेस करना है ये इसके ये दो बेनिफिट्स हैं जी एक तो एक्नी के लिए प्लस जो है आपकी जो मेमोरी की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है और मेमोरी इनहेंस होती है ये बहुत ही जबरदस्त यस यस तो मैं मैं बोलूं नहीं यसर पॉइंट करते हैं डेफिनेटली और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता है टीसीएम में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो आपका कान है इसके जरिए पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हो सकता है और और दूसरा जो एक एक कॉल कॉल लेते हैं तो बता दिया आपने लेकिन इसका भी बड़ा कमाल है है ना ये ये और आपने ही करना याद रखिए सिर्फ पूरी रखिये जी आपका नाम मैं बात कर रही हूँ जी पूछना था

क्या कहते हैं डॉक्टर साहब उनकी ड्राई स्किन है सर्दियों के अंदर एंड चाप हो जाती है फट जाती है तो क्या क्या करना चाहिए जी अभी हम हम इस पर ही बात कर रहे थे कि ड्राई स्किन के लिए एक तो चेहरा बहुत साबुन से नहीं धोना और दूसरा ये कि ऐसी मॉइस्चराइजर यूज़ करने हैं जिसमें हाइलोनिक हाइलोनिक एसिड या नाइसनामाइड हो और दूसरी चीज़ की ग्लिसरीन इस्तेमाल करें ग्लिसरीन इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर अवेलेबल जो कि बिल्कुल सस्ता सा भी मिलता है और इसका एक टोटका जो है वो बहुत मशहूर है और इट्स वेरी इफ़ेक्टिव एज़ वेल उसमें है कि ग्लिसरीन आपने लेना है हाफ ग्लिसरीन लें और हाफ जो है वो अर्के गुलाब ले लें और उसमें आप लेमन यूज़ कर भी सकते हैं और बग़ैर लेमन के भी यूज कर सकते हैं उसको बस शेक करके एक बॉटल में रख लें स्प्रे वाली और उसे सुबह शाम स्प्रे करें सीरियसली सीरियसली उससे एक तो मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा रहता है आपके और आपको कोई महंगे मॉइस्चराइजर लेने की जरूरत नहीं आर्के गुलाब और ग्लिसरीन ये आप मिला लें मतलब अगर आपने 20 ग्राम ग्लिसरीन लिए तो 20 ग्राम ग्राम्स के गुलाब लें उसको ले उससे करें स्प्रे कर लें स्प्रे करते रहें एक से दो बार तीन बार करें एक से दो बार करें आपको किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है ओह वंडरफुल वंडरफुल और इससे ज्यादा स्किन हाइड्रेट भी रहती है और यंग भी रहती है जी सर क्या कहते हैं जी सर भाई इसमें बहुत अच्छी बात है हमें नेचर की तरफ ही रहना चाहिए जब तक हम नेचुरल अपने सिस्टम को ठीक नहीं रखेंगे डेफिनेटली स्किन उस तरह से नहीं होगी आजकल का जो कि मौसम सर्द है तो इसमें एक मैं टिप देना चाहता हूँ जो ड्राई स्किन और ड्राई लिप्स के लिए बहुत ही उससे डेफिनेटली आप खुद देख सकते हैं आज आपका मूड थोड़ा सा डिफरेंट है दैट वाज द रीजन कहते हैं कि तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे मेरे ही दिल की सदा हो जैसे

इसमें आजकल चूंकि सर्द मौसम है इसमें एक तो अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें पानी का इंटेक पूरा रखें नंबर वन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोग कह रहे हैं उसके बाद जो टिप है अपने फेस की ग्लो के लिए मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा प्लस आपके जो बेली बटन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको जब आप ड्राई रखते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको होती हैं आप रात को एक तो मसाज करें अपने बेली बटन में बच्चों को भी करें ख़ुद भी करें और ये इतनी ज़बरदस्त टिप है जिसके ज़रिए आप अच्छा इसमें

जाती है वो आपकी बैली बटन के जरिए जाती है अगर आप इसको ड्राई कर देंगे तो इतने बड़े गेटवे को जिसके जरिए पूरी सिस्टम को फीड अल्लाह कर रहे थे तो बटन को बेसिकली आपने हाइड्रेट रखना। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है ये, ये, और फर्स्ट ये जो पॉइंट है इसको अगर आप प्रेस करें ये करते रहें इस इस पॉइंट पॉइंट को को तो ये इसको? Yes, इस को आप प्रेस करते रहते थर्टी ले 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 ले। yes, जो पॉइंट है ये आ, ये ये पॉइंट okay. इसको आप करेंगे नंबर वन नंबर टू आपका जो थम है इसके अंदर वाली जो साइड है ये इसको आपने मसाज करते रहना है मसाज इसको? करते रहना है प्रेस करते रहना है yes, यस ये और थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो पाम है इसके बिल्कुल नीचे ये पॉइंट जो है या। ये यस एक पाम के बिल्कुल नीचे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो तीन पॉइंट हैं सर ये कितनी मरतम मसाज करना है? ये आप उनकी थर्टी थर्टी सेकेंड्स के लिए एक दो मिनट के लिए कर सकते हैं या जब बैठे हों आप करते रहें ट्राई इंता, इंता, अप टू यू okay. तो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनके जरिए आपकी जो फेस है ये ग्लो करेगा और एंटी एजिंग पॉइंट्स है ये मैंने बताएं

अच्छा अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब हम ग्लो की बात करते हैं तो चेहरे पे लगाने वाले जो सिरम्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिससे ग्लो आ सके क्या ये दुरुस्त है या घर की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके आप ग्लो ग्लो ला सकते हैं जी घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप लेकिन अगेन क्योंकि वो टेस्टेड नहीं होती लाइक like, अगर आप लेमन डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर देंगे इसके स्किन के ऊपर तो इट्स एसिडिक इट्स प्योर ऑर्गेनिक एसिड जो सीरम्स मिलते हैं वो किसी तरह से वो ट्रीटेड होते हैं okay. और उनमें हायलोनिक एसिड उन कुछ इस तरह से ऐड किए होते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है और वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सूट कर रहे होते हैं अच्छा. तो अगर आपने यूज़ करना भी है लाइक वाइटामिन सी इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटी जो हम अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं और अगर इसको आप सन ब्लॉक के साथ यूज़ करें तो इट्स वेरी गुड तो हमारे यहाँ मेडिकेटेड सीरम्स इनकी डिफरेंट रेंजेज अवेलेबल हैं तो कुछ बहुत सस्ते वाले और घर में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है घर में देखें विटामिन सी में जो है लेमन बेस्ट okay. ओके है. है. इसके अलावा में साथ मिक्स कर लाइक उसको मैं, कर लें। मैं दौक्ष, दौक्ष से बात करता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको एक टोटका का बताऊंगा एक हैक बताऊंगा हैक, हैक्स है जिसके जरिए चेहरे पर ग्लो आ सकता है और इमीडिएट आ सकता है आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब ने प्रेशर पॉइंट्स बताए हैं उसके जरिए ग्लो आ सकता है कहते हैं बेली बटन को हाइड्रेट रखें तो वहां से भी फर्क पड़ता है कोई और ऐसी ऐसा कोई हैक है आपके पास जिससे चेहरे का ग्लो आ सकता है हेलो आई थिंक डॉक्टर साहब अब फिर चली गई आई थिंक ब्रेक हुआ नह, है? अच्छा हमने ब्रेक लेना है या मैं बता सकता हूं अभी ब्रेक तो नहीं है ना ब्रेक पे आ जाए ब्रेक 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 है जी, right, जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप समझते हैं ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक Right, once again, back. और आई जी वंस अगैन वेलकम बैक और चेहरे के ग्लो की बात हो रही है कुछ लोग जितनी मेहनत कर लें ग्लो नहीं आता आई डोंट नो उसकी वजह क्या होती है थोड़े से अमाल दुरुस्त हो जाए तो ग्लो भी आ जाएगा बट दिस इज़ वेरी ट्रू वेरी वेरी ट्रू नीयत का कहीं ना कहीं कोई ना कोई दखल होता है और नीयत स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा होती है देखें शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो अजीब सी बात है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है इससे पहले कि डॉक्टर शुमला का दोबारा कनेक्शन खत्म हो जाए मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाता हूँ डॉक्टर डू टेल के चेहरे को चेहरे पे ग्लो लाने का कोई हैक है आपके पास या करीम्स ही इस्तेमाल करनी है या इंजेक्ट ही करना है चेहरे पे तो कोई ऐसा हैक है जो घर के अंदर जो लोग जो खातन अफोर्ड नहीं कर सकती या मर्द अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस्तेमाल कर सकें हमारे पास है अगर आप डेली एक्सरसाइज करें फॉर 30 मिनट्स. मिनट यकीन यस आपको एक्सरसाइज वॉक एटलीस्ट करनी चाहिए इसमें आपका मूड चेंज होता है आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होती है सबसे ज्यादा जो हमारे हमारा लिविंग स्टाइल है आजकल का जिसमें लैक ऑफ डाइट है आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज है स्लीप है लोग सुनते ही नहीं है प्रॉपर सारी सारी रात मोबाइल यूज कर रहे होते हैं जो रात की नींद होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है

ऑनेस्टली आप या इट्स इज नॉट एंड डोंट फॉलो मी मैं बहुत मेरा बहुत क्रेजी uh, वो लिविंग है बहुत अजीब सी बात है लेकिन मैं आपसे आपको अक्सर पता है कि आई डोंट स्लीप आई स्लीपर टू आर्स एंड आई वर्क जस्ट रेस्ट ऑफ द टाइम आई आई एम एक्चुअली वर्किंग सो माई ब्रेन डज नॉट स्लीप बट मुझे आप फॉलो मत कीजिए यह बात बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रात और कुरान करीम में भी इसका जिक्र है रात जो है वो आराम के लिए बनाई है तो प्रॉपर स्लीप लें प्रॉपर स्लीप लेने से आपके चेहरे पे वैसी ग्लो आता है आप थोड़े सा रेस्ट करते हैं और आपकी चीजें जो होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं हैक मैं आपको दो बता रहा हूँ उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ दो अच्छा आप क्लास के वो बच्चे होंगे जो मास्टर से पहले ही उठा दो तो सर आपने बोला सर मैं बताऊँगा सर yes. सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ ही आ रहा हूँ हाँ बी वेरी एक्टिव सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अगर ये कोई कॉमेडी शो तो मैं एक और जुमला कहता लेकिन मैं कहूँगा नहीं आपको वो बाद में कह दूँगा ब्रेक के अंदर समझ तो गए होंगे आप समझ गए जी समझ नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है आपके लिए आपको हर काम में जल्दी है आइए तो मैं आपको बता रहा हूँ है ना आज है, सिचुएशन ये है, सब कुछ रिवर्स है। है, हैक बता रहा हूँ आपको <laughs> लाइफ का एक हैक बता रहा हूँ चेहरे का ग्लो लाने के लिए टोमेटो लें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उस पर हल्का सा शहद आप लगा लें उसको अच्छी oh. तरह से अच्छी तरह से उसको उसका लेप लगा दें टमाटो के ऊपर आधे टमाटो के ऊपर एंड देन स्टार्ट सर्कल के सर्कुलर मोशन के अंदर आप अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं प्लीज मेक श्योर करें कि आपका चेहरा एकने वाला ना हो लेकिन अगर वो भी है तो उसको भी एहतियात के साथ लगाया जा सकता है आप इसके इमीडिएट रिज़ल्ट देखेंगे फौरी रिजल्ट देखेंगे अगर मेरे पास अभी टमाटर होता तो मैं आपको करके दिखाता फौरी रिज़ल्ट देखेंगे विद इन टू मिनट्स आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा उसके बाद ठंडे पानी से आप उसके उसको क्लीन करें क्लीन करने के बाद हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं एंड यू गुड टू गो ये पहला हैक है दूसरा हैक आपको बता रहा हूँ ये इससे भी बेहतर है दूसरा हैक क्या है कि आप पोटेटो लें पोटेटो को आधा कर लें आधा करने के बाद पोटेटो को गूद लें गुदने का मतलब यह कि उसके अंदर पानी उसका थोड़ा सा आ जाएगा उसको स्टार्ट रबिंग ऑन योर फेस अच्छा ये थोड़ा सा आपके चेहरे को ड्राई कर सकता है बिकॉज ब्लीचिंग एजेंट है लेकिन उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे ठंडे पानी से उसको साफ करके मॉइस्चराइज इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन कम से कम एक से डेढ़ दिन तक ग्लो करती रहेगी लाइटर साइड की तरफ चली जाती है और ग्लो करती है आपका नेचुरल ग्लो जो है वो वापस आ जाता है

यू आर वन ऑफ द रोल मॉडल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको देख के इंस्पायरेशन इतनी ज़्यादा मिलती है और आपके ब्यूटी और आपका जितनी फिटनेस है आई रियली अप्रिशिएट राइट थैंक यू वेरी मच अच्छा थोड़ा बैलेंस हो गया ना यार अच्छा उसके बाद अभी हम कमिंग बैक टू द पॉइंट जो फेस ग्लोइंग है सीरियस नोट फेस ग्लोइंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने माइंड एंड बॉडी दोनों को डिटॉक्सीफाई करना बॉडी एंड माइंड को जब तक आप डिटॉक्सिफाई इनके साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे ही करेंगे उस वक्त तक जेनवन ग्लो नहीं अच्छा, माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है यस देखिए माइंड जो है ना इतना ज्यादा हम, हम, हम हमार, तो इशू ही हाँ। इतना ज्यादा है हाँ। हाँ। हमारा इनकी जितना ज्यादा टेंशन स्ट्रेस और एंग्जाइटी है और इतने ओवरलोडेड लोडेड है हम लोग और हम हमें ये नहीं पता कि हम अपने जी जी मैं एक छोटी सी बात करूंगा उसके बाद आप तरफ आता आपके कंधे पे यहां यहाँ शोल्डर्स पे एक बैग है अब इमेजिन करें आप उस बैग के अंदर पत्थर भर लेते हैं yes. पचास किलो का हो जाता है वो बैग और आप रन करते हैं क्या आप रन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें आप अपने उससे ना निकाल दीजिए फेंक दीजिए उस बैग से इस बैग पैक को कम कीजिए इसका वजन कम कीजिए ताकि आप भाग सकें yes. देखिए जो चीज़ें आप नहीं सकते आपको उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो चीज़ें आप बदल सकते हैं आपको उनके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है वेरी राइट लाइफ में दो ही चॉइसेस होती हैं या तो किसी चीज़ का होना होता है या किसी चीज़ का नहीं होना होता अगर जो आप चाहते हैं वो होगा तो खुश हो जाइए और अगर आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा तो भी खुश हो जाइए रीज़न इज़ कि एट द एंड ऑफ़ द डे कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके लिए रखी है क्या स्ट्रेस स्ट्रेस uh, जो है वो आपके चेहरे की खूबसूरती को मुता करता है आइए पूछ लेते हैं बट मुझे लगता है करता है यू नो वाई बिकॉज़ फ़िक्र आपको सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कहीं नहीं लेके जाती आइए बात करते हैं सो डू टेल डॉक्टर साहब स्ट्रेस का कितना रोल होता है चेहरे के ग्लो में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस जो है ये आ, आपको 10 साल बुरा कर देता है अगर आप 20 साल के हैं तो आप 30 साल के लगना शुरू हो जाएंगे और 30 साल के हैं तो 50 साल के लगना शुरू हो जाएंगे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके एजिंग को अर्ली ऑन लाने में और क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम हेसे एंटी ऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे थे अब ऐसे फ़ासद मादे बहुत जल्दी जनरेट होना शुरू हो जाते हैं जब आप अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं आपके बॉडी के सारे निज़ाम जो हैं वो स्लो हो जाते हैं उनकी रफ़्तार कम हो जाती है तो डी का अमल भी बहुत स्लो हो जाता है जब डी नहीं होते तो ऐसे फ़ासद मादे जो हैं वो आपकी स्किन को आपके इंटरनल सिस्टम्स को आपके ब्रेन को हर चीज़ को तबाह करना शुरू कर देते हैं डेफिनेटली ये डिस्ट्रक्शन का ही रास्ता है तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए चाहे आप मेडिटेशन यूज करें चाहे आप एक्सरसाइज का सहारा लें या मेडिकेशंस तो बाद में आती हैं आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत डॉक्टर साहब जी जैसे हम बात पहले कर रहे थे डिटॉक्सिफाई करना माइंड एंड बॉडी दोनों को उसमें जैसे आपने बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन कर दिया कि अपनी जो फ़िक्रें हैं चीज़ें इसमें वासफ अली वासफ़ साहब की एक मुझे बात याद आ रही है उनके पास एक शख्स आया और बहुत परेशान था तो उसने पूछा कि हज़रत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बहुत ज़्यादा टेंशनज हैं चीज़ें हैं मुल्क हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उन्होंने आराम से पूछा भाई ये जो हालात हैं ये आपने ख़राब किए हैं कहते नहीं कहते आप ठीक कर सकते हैं कहते नहीं तो कहते फिर आप चाय पिए ठीक है सिंपल बाज़त छोटी छोटी बातें जो होती हैं इंसान हम खाम खा का बर्डन जैसे आपने कहा ले के फिर रहे हैं दूसरा जो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें सबसे जो अहम बात है रात सोते हुए जब आप सोएं अपने खुदा को तो आपने याद करना होता है आपका एक अपना ताल्लुक़ हर इंसान का अपना है लेकिन उसमें एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन या उससे पहले जिन लोगों से आप नाराज़ हैं जो जितने मसाइल हैं या खफा हैं जिनसे आप उनको आप लिटरली माफ़ करके सोएं ये जो गिविंग फॉर गिवनेस थेरेपी है ना इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं कि आप माफ़ करना सीखें और आई जी आप बिल्कुल माफ़ करके सोएं एक छोटा सा ब्रेक लेते बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपने जाना कहीं नहीं हम आज ग्लो की बात कर रहे हैं और ग्लो में क्या कि आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे ग्लो आ सकता है खाने में कुछ ऐसा है जिससे ग्लो आ सकता है ब्रेक लेते हैं All right, once again, welcome back. So, Zaba, आपकी तरफ आते हैं कि किचन के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे सही हो सकता किचन के अंदर जैसे अभी हमने ग्लस्टरिन की बात की ग्लस्ट्रीन को जरूर यूज़ करें ग्लिस्न एंड रोज वाटर यार के गुलाब और उसके अंदर लेमन का एक चम्मच डाल के उसको रख लें जरूर ये आपके फ्रिज में पड़ा होना चाहिए ये सोल्यूशन हर विंटर्स में इसको विंटर्स आते ही बना लें और मार्च तक यूज करते रहे okay. इसके इस अलावा आपको किसी आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो पानी है पानी ज्यादा पीने कम अज कम दस ग्लास पानी आपने रोजाना पीना।, पीना है इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज की जरूरत अच्छा हमारे पास कुछ वर्कशॉप हैं आइए उनको देखते हैं फिर इसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं जरा चलाइएगा वर्कशॉप नहीं है अच्छा मुबारकूज नो इशूज़ जी डॉक्टर साहब जी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मॉर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जब आप उठते हैं इतनी ज़्यादा आपका स्टमक खाली होता है उसमें डिटॉक्स वाटर के तौर पर मैं दो लाइट से टिप देना चाहूँगा जिससे आप डिटोक्सीफाई कर सकते हैं अपने आप को एक तो इनकी नीम गर्म पानी में आजकल उसमें इनकी अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हनी का एक स्पून ले लें और लेमन थोड़ा सा लेके अगर आप एसिडिक नहीं है ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें अदरवाइज अगर आप एसिडिक हैं तो लेमन ओमिट करें आप डायबिटिक हैं तो हनी ओमिट करें तो ये अगर आप नहीं है दोनों चीजें तो फिर आप इसको सिप सिप बैठ के आराम से पी सकते हैं डिटॉक्सीफाई उसके तकरीबन आधा घंटा के बाद अपने ब्रेकफास्ट लेना है एक चीज दूसरा एक बहुत जबरदस्त की टिप है हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी बॉडी जब एसिडिक और अल्कलाइन के बैलेंस को खराब करती है जब हमारी बॉडी एसिडिक होना शुरू होती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाते हैं जितनी भी डिजीज इशू हैं वो मेन जो है डिटॉक्सीफाई ना करना प्लस उसके बाद एसिडिक होना अब इसके लिए मैं एक टिप जबरदस्त बता देता हूँ जो कि रेगुलरली घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए प्लस ग्लो के लिए और दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसमें हमारा जो आ, आ, है कोकोनट है इस पे मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कोकोनट बाज़ार से लेके फ्रेश भी और जो ड्राई है वो भी लेके उसको आप लाइक थोड़ा सा छोटे छुड़ छोटे पार्ट्स में कर लें और उसको नीम गर्म पानी में आप रख के और वो एक इंतहा अच्छा आपका डिटॉक्स वाटर बन सकता आप सकते है, है। अल्लाह का शुक्र आप कैसे हैं? साहर दाई। साहर दाई आपका शो देख रहा था माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है थैंक यू जी साहिब भाई मुझे आपसे एक सवाल पढ़ना था जी बोलिए मुझे पूछना था कि मैं मेरी उम्र जो जो है साल है, okay. ठीक है, साल तो ना वो लटकना शुरू हो गई, ओके, ओके, जी उसको उसको कैसे कर सकता उसको कैसे कर बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ आप जरा डॉक्टर साहब से बात करें डॉक्टर साहब अली कराची जी आपकी स्किन में फैट भी है चेन में फै, फैट भी है स्किन 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 लटक है ना, तो लटक है। है, लटक गई गई है 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 तो ठीक गया अच्छा इसमें कुछ फेस की एक्सरसाइजेस होती हैं ये फेस योगा यूज कर सकते हैं इसमें फेस योगा का बड़ा अच्छा रोल है okay. अगर इसे लॉन्ग टर्म यूज करते रहे आप यूट्यूब पे जाएं फेस योगा की कोई भी उसमें निकालें सर्च फेस योगा फेस योगा तो वो कुछ खास एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी स्किन Uh, कुछ बेहतर हो जाती है मतलब ट्वेंटी थर्टी परसेंट या फोटी परसेंट इससे ज़्यादा अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो फिर हमें ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है वो ट्रीटमेंट बता दीजिए जी ट्रीटमेंट्स में हम इसमें देखें थ्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरडर्मल थ्रेड्स हैं जो कि इमीजिएटली लिफ्ट कर लेते हैं जी लिफ्ट कर, कर देते हैं सारी स्किन को दूसरा है हम इसमें लाइपो, लेजर जिससे लाइपोसक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है कि लेज़र स्किन को टाइटन कर देता है और लाइपोसक्शन एक्स्ट्रा फैट को रिमूव कर देता है तो उससे भी इमीजिएट रिज़ल्ट आ जाते हैं फिर इसमें बेसिक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है जैसे हमने कहा कि टॉपिकल आपको विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और रात को रेटिनॉल का इस्तेमाल करना है उससे भी एंटी एजिंग होती है स्किन की स्किन की थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आती है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट्स जो आए। अभी हमने डॉक्टर जी डॉक्टर तो, जी सर इसमें जो स्किन टाइटनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंटी एजिंग के लिए एक ज़बरदस्त टिप है जो मैं देना चाहूँगा उससे पहले टिप से पहले ये कि एक आज के प्रोग्राम के लिए स्लोगन कि कोकोनट खाएं कोकोनट लगाएं और कोकोनट पिएं राइट right? एक कोकोनट अपनी लाइफ में हम लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया like, uh, है और बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट uh, एक सेगमेंट है और कोकोनट जो है वो uh, जो बालों की सेहत है उसके लिए इंतहाई ज़्यादा प्रूवन फैक्टर है ठीक है और जैसे अभी वाटर हमने बताया आराम से अब घर में कोकोनट और एक ड्राई कोकोनट तो बिल्कुल सस्ता सा मिल जाता है और उसके बाद फ्रेश कोकोनट भी आप वो पानी पिए लगाएँ और दूसरा इन्होंने अभी जो अपनी स्किन का कहा है स्किन लूज़ uh, हो रही है सारा इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूँ इन उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा एक तो डिटॉक्सिफाई करें अपनी हेल्थ का ख्याल रखें दो चीजें एक डाइट में लें वो मैं बताता हूं प्लस आप जो जिंजर है उसको आपने लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में करके और उसको आपने गर्म पानी करना है और गर्म पानी करके अपने चेहरे पर आप उनकी कपड़ा पूरा लगा के उसकी आपने स्टीम लेना स्टार्ट करना है जिंजर जी, 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 वाटर जो है उसकी स्टीम लेना स्टार्ट करें इसके दो फायदे होंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इनहेल भी कर रहे हैं आप प्लस आपकी स्किन के जो है वो इसके लिए जबरदस्त चीज़ है आपकी जिन लोगों की स्किन की लूज हो रही है उसके लिए एक जबरदस्त चीज है और प्लस इसमें साथ स्किन टाइटनिंग के लिए आप ना यखनी का जो इस्तेमाल है आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बोन्स हैं सिंपली राइट बोन्स की जो यखनी है उसको आप यूज करें ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त इफेक्ट देंगी आप और आई जी और कहा ना कि नारियल का इस्तेमाल कीजिए बंदर के हाथ अगर नारियल लग जाए तो बहुत बुरा हशर होता है इसलिए खुदारा इसका वो हशर मत कीजिएगा जो बाकी लोग कर रहे हैं समझ तो गए होंगे आप और मजे की बात यह कि सिर्फ नारियल हाथ नहीं लगा बंदर के हाथ में माचिस भी है तो सोचिए अल्लाह मालिक है बिजली है कि बिल तो देती है लेकिन आती नहीं है पानी है कि नलका सीटियाँ बजाता है लेकिन आता नहीं है सो इट्स ऑल गुड एज लॉन्ग एज हम ये समझ लें कि नारियल नारियल होता है और हमारे मुल्क में बंदर के हाथ लगना नहीं चाहिए नारियल बहुत बुरा होगा ब्रेक जी जी वंस अगेन वेलकम बैक एंड मैं किचन के बारे में पूछ रहा हूँ किचन की बात हो गई स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ स्ट्रेस की बात हो गई अब आते हैं ओबिसिटी की तरफ यानी मोटापे की तरफ क्या मोटापे की वजह से ग्लो मुतासर हो सकता है या जब आप मोटापे को लूज करने की कोशिश करते हैं तो ग्लो मुतासर हो सकता है डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ऐसे ही है एक तेज़ी से मोटापे का आना और तेज़ी से मोटापे का जाना दोनों ही स्किन का ग्लो छीन लेते हैं रियली really? बिल्कुल तो उसके लिए करना क्या चाहिए आ, उसके लिए एक तो मोटापा पहले होना ही नहीं चाहिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है हमेशा से तो मोटापा आना ही आना ही नहीं चाहिए उसमें हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आप पोस्टन कंट्रोल करें हेल्थ क्लीन ईटिंग करें और इंटरमीडियन फास्टिंग की तरफ जाएँ एक्सरसाइज़ ट्वेंटी मिनट्स अ डे ज़रूर करें उससे मोटापा आएगा ही नहीं लेकिन अगर एक दफ़ा मोटापा आ गया है तो उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता लूज करें एकदम से लूज करने okay. से भी स्किन का ग्लो जो है वो ख़त्म हो सकता है मुतासर होता है जी सर जी बिल्कुल हम लोग असल में जल्दी में होते हैं जैसे सारा जैसे हम लोग कहते हैं कि फटाफट इतने दिन में हमारा प्रोग्राम है शादी है ये कोई फंक्शन है सर so शादी छोड़ें उन्होंने बात की है वो ये कहते हैं कि फ़ौरन से डॉक्टर साहब ने ये हैक बताया फ़ौरन से पहले ग्लो आ जाए आपके पास भी अमशोर लोग आते होंगे कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन अच्छा इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे ग्लो आ जाता है

आपकी बेसिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका इनकी इनटेक फूड इनटेक फूड इनटेक के लिए हम जैसे जैसे कहते हैं कि जैसे हम खाते हैं कि बस आखिरी खाना है इसके बाद पता नहीं हमने मर जाना है ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा हम लें। सर, और हम खाते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि मरना है यस yes, बिल्कुल ठीक है और इसमें आखिरी खाना समझ के मत खाइए इसी तरह से जैसे बार बार कहा जाता है और सुन्नत अमल भी है कि अपने उनके पेट के तीन हिस्से करें पानी जो है वो दो ग्लास आपने पंद्रह मिनट से आधा घंटा पहले पी लें और उसके बाद उनकी सांस के लिए भी जगह छोड़ें और जो ग्रीनी लीव्स हैं उसमें फ्रेश सैलड हैं वो गॉड से उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं जब तक उसको आप पार्ट नहीं बनाएंगे उस वक़्त तक आपका गट हेल्थ आपको फाइबर नहीं मिल रहा आपके कॉन्सिपेशन हो रही हैं आपकी सारी

बाजरे की ना एक चीज खाई मेमन बनाते हैं yes. बाजरे की रोटी के साथ गार्लिक होता है हरे रंग का और वो मिक्स करके उन्होंने चूरा सा बनाया हुआ होता वो, है वो. एक जगह वो मुझे भेजती हैं राजा उनसे मंगवाते हैं शी हैज़ अ वेरी गुड फूड आई गेस चेन तो उन्होंने बनाया था उस दिन एंड देन आई एट इट एंड इट्स रियली गुड इट्स रियली रियली गुड आप दही में थोड़ा सा मिक्स yes. करके yes. उसको खाएं इट्स वेरी फिलिंग

और मुझे लगता है कि उससे और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फाइनल डिस्कशन होगा कि जी चेहरे के ग्लो को कैसा लाया जा सकता है अगर आपने पूछ कर दिया तो भी फिक्र की बात नहीं क्योंकि इस वक्त अब जो बात करेंगे हम बड़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद और राइट जी वंस अगैन वेलकम बैक और ज़रा बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात है कि जी चेहरे का ग्लो आपको पता चल गया कि जी चेहरे के ग्लो के अंदर चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे बड़ी बात है आपने स्ट्रेस नहीं लेना वर्जिश करनी है खाना बेहतर करना है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है सिरम्स लगाने हैं, अपने चेहरे को मोइस्चराइज रखना है जब भी धोना है आपने तो बहुत ज़्यादा फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करने एक बार इस्तेमाल करें उसके बाद पानी से उसको क्लिन करते रहें ठंडे पानी से आपने अपने चेहरे को धोना है बहुत सारी चीज़ें हैं मास्क आपको बता दिए मैंने आपको आलू का बता दिया पोटेटोज लगाने से मैंने आपको हैक्स बता दिए शहद और जो टमाटर है उसका इस्तेमाल भी बता दिया लेकिन अब हम बात करेंगे उसकी कि हम ये सब कुछ करते क्यों नहीं हैं वाई आर वी लाइक दैट हम करते क्यों नहीं हैं इसके बारे में बात करेंगे मैंने कहा था ना आखिरी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी लेकिन हम करेंगे नहीं वाई इज़ इट ये बिहेवियर क्यों है जी सबसे पहले एज़ ए सोसाइटी एज़ ए टोटेलिटी हमारा बिहेवियर बिहेवियर जो है ना बहुत लतहाजक है और हम चीज़ों को पेंडिंग रखते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम आप इससे अंदाज़ा करें कि हम अपने आप के साथ भी अगर सीरियस नहीं हैं तो हम कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ कैसे सीरियस हो सकते सबसे पहले तो हमें अपने, अपने साथ सीरियस होना है और हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि अल्लाह के नबी जनाब हज़रत मूसा आसाम उन्होंने अल्लाह से जब कलाम किया तो उन्होंने कहा या अगर सबसे इम्पोर्टेंट आपसे एक चीज़ मांगी जाए तो क्या होगी

मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पर आपको सॉरी कत्ल प्लीज़ प्लीज मैं तुमको सच बता रहा हूँ पहचानो अपने आप को यस yes. दुनिया जिन तरीकों से तबाह होगी उसमें से एक तरीका जो है वो मैन मेड वायरसेस नो डिनाइंग कोरोना था yes. क्यों था असल बहस ये सर आगे चलिए आपने बहुत आम बात की एंड यो सो ब्रेव कि आप ये बात कर सकते हैं और ये सच यही है हमें एज ए कंट्री एज ए नेशन थोड़ी सी ऐसी बातों के बारे में तो खड़े होना है हमें पूरी दुनिया के दूसरे लोग बता रहे हैं कि भाई ये आप वैक्सीन वैक्सीन लगवाएं बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करें लेकिन बहुत से ऐसे जिनको कॉपिट बम्बिंग से उड़ा दिया जाता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता तो हमें कम अज़ कम अपना तशखस जो है वो आपकी बहादरी की वजह से हम लोग भी बात करने में थोड़ा सा बोल्ड फील कर रहे हैं तो आई थिंक हम एक अलग आइडेंटिटी हैं हम अलग शनाख्त हैं हम पूरे इंसान हैं हम कम अज़ कम जो चीज़ हमें सूट नहीं करती हम उसके बारे में हमारा बेसिक राइट है कि हम उस पर रुकें तो ये बिहेवियर जो है ये इसलिए बिकॉज मिनहसल कौम हमारे रवैये हैं और हम उसको चेंज करना चाहते फील डॉक्टर साहब किस तरह से चेंज किया जा सकता है आप बड़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारती हैं आप शायद मील भी एक ही लेती हैं पूरे आपने बताया था पिछले शो में कि आप एक ही मील लेती हैं एंड देन फिर उसके बाद किस तरह से ये डिसिप्लिन कैसे आया आपको uh, मेरे ख्याल में आपके अंदर कुछ ऐसी डीप सीटेड कुछ पैशन होना चाहिए कोई ऐसी डिजायर होनी चाहिए जो आपका मेन फोकस हो तो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं उनकी अहमियत इतनी नहीं रहती लाइक uh, like, मेरा पैशन है मेरा वर्क मेरा प्रोफेशन तो जब मैं अपने क्लिनिक में होती हूँ या काम कर रही होती हूँ तो मुझे खाना पीना और सब चीज़ों का होश भूल जाता है लेकिन फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के जैसे आपने बात की तो अपना कप आपने पहले फिल करना है अगर आपका कप फुल नहीं है तो आपका कप स्पिल नहीं हो सकता आप hmm. किसी को कुछ नहीं दे सकते आपको अपनी हेल्थ का पहले ख्याल रखना है अपनी खुशी का पहले ख्याल रखना है आप खुश होंगे तो आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी होगी तो पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें फिर आप अपनी फैमिली और अपने इर्द गिद सब लोगों का ख्याल रख सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाला आपका बहुत शुक्रिया ते मैं दो बातें आपसे कहूंगा पहली बात जस्ट रिमेंबर दिस अ हेल्दी यू इज हेल्दी पाकिस्तान अगर आप हेल्दी हैं तो पाकिस्तान हेल्दी है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप किसी का ख्याल नहीं रख सकेंगे और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके चेहरे पर शायद ग्लो नहीं है लेकिन वो अंदर से बहुत ग्लो करते हैं आप जैसे हैं खूबसूरत हैं बस इतना याद रखिएगा दूसरों को इस बुनियाद पर जज ना करें कि वो कैसे दिखते हैं दैट इनकलूज यू ऑल्सो कल मिलेंगे तब तक के लिए खुदाफिज